अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने पहले जो वीडियो अपलोड की हैं ज़्यादातर डीप डेजर्ट की हैं, जो वाटर पॉन्ड की हैं, जहाँ पे लोग वाटर पॉन्ड के राउंड बैठे हुए होते हैं, वो उनकी टेम्प्रेरी सेटलमेंट होती है, उनको लोकल जबान में टोबा कहते हैं। और कुछ वीडियोज बनी है जो छोटी छोटी बस्तियों की हैं, वहाँ पे 3 से 4 घर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 घर बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जो ज़मीनें आबाद करने के लिए वहाँ पे टेम्प्रेरी सेटल हुए, लेकिन ज़मीनें आबाद हो गई, फसल अच्छी होना शुरू होगी, तो वो अकेला अकेला घर रहने की बजाय उन्होंने सारे ने कम्बाइन करके एक ही जगह पर बस्ती बना ली छोटी सी। ये जो घर है ये बिल्कुल एक सेपरेट है, एक तरफ डेजर्ट है और दूसरी तरफ थोड़ी सी आबादी नजर आ रही है। आज से 20 साल पहले एरिया ये भी डीप डेजर्ट ही था, लेकिन उस वक्त नहरी पानी नहीं होता था, अब नहरी पानी भी पहुंचना शुरू हो गया है। साफ जाहिर है कि ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और लोग आस्ता आस्ता ज़मीनें आबाद करते जा रहे हैं, और अंडरग्राउंड वाटर भी कुछ बेटर हुआ है, डीप वेल ड्रिल किए जा रहे हैं, सोलर टर्बाइन्स लगा के फिर ज़मीनों को आबाद किया जाता है। ये अगर आप देखेंगे सामने, ये सारा डेजर्ट है और अभी इन्होंने ये ज़मीन आबाद करना शुरू की है। तकरीबन जो चोलिस्तान का एरिया वहाँ पे सारे ऐसे ही होता है कि मॉर्निंग में यही जो लस्सी बनाते हैं वो है, नाश्ता तैयार किया जाता है। अम्मा किन्नी गाँव रखी हैं सर? ये लस्सी है काफ़ी गाढ़ी और अम्मा इसमें अभी पानी बुलाएंगी, क्योंकि इतनी गाढ़ी लस्सी जो है ना वो नहीं पी सकते। तो कुछ एरियाज़ में तो नमकीन लस्सी पीते हैं लोग, कुछ जगह पे जो है ना मीठी भी चलती है, तो उसमें ये चीनी ऐड करके। हाँ बढ़ाने पियो पियो पियो। लस्सी बहुत है। निहाल है ना तेरे ना? हाँ मैं निहाल हूँ। हाँ निहाल है। बासी पे। ये जी अम्मा हमें स्पेशल प्रोटोकॉल दे रही हैं। अम्मा ठीक है बस दियो तुसा अली गए चेक। जबरदस्त। मैं कड़ा पूछ रहा हूँ। पूछ लो। आसमान तो पीएगी दिए से। पमाचा की कानी। बेहतरीन। इतना ही होता है मीठा। बेहतरीन है। बैठे वहाँ। बस बस। तो भाई ये देखें, ये पुदीना भी लगाया हुआ है इन्होंने, डेली जितना इस्तेमाल करना होता है यहाँ से तोड़ लेते हैं। ये देखें जी, फ्रेश मिंट और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। ताला बनावा लगियाँ ये देखे ना, फूदना धनिया मिर्चियाँ ते मिसाला बना के वाला आटा गुनना है। ये आटे दे विच गुनसा? हाँ। फिर ओदे पराठे पकाओ? ठीक है। सो गाइस, ये मॉर्निंग में कुछ लोग तो सादा पराठे बनाते हैं, कोई आलू वाले, तो ये अम्मा जी की कुछ स्पेशल एक्सपर्टीज़ हैं, उसमें ये पुदीना है और थोड़ी सी पालक है और ये हरा धनिया है और मिर्च है, ये आई थिंक इनको कूट के उसके पराठे बनाएंगी।
नी मक दे वंजा नी मक मैं मंग सका ना बैठी खिंच जाए तू तू तो बुढ़ी बुढ़ी हो वहां पाई मेरा बुढ़ा रूक मैं तो आप नहीं करनी हाँ मेरे शाह चार पांच हैं जेका लेनी तो पांच लेनी वो अट्टा देखी ना ओ ओ ओ घेड़ वे दे गैस चाहे गांव हो या शहर हो ये इंडिविजुअली भी डिपेंड कर रहा होता है कि वहां पे सुबह कब होती है। अगर आप सिटी एरिया में चले जाएं जो लोग जो बिज़नेस रिलेटेड हैं वो साज़र है मार्केट्स खुलेंगी 9-10 बजे या 11 बजे इवन के कोई सिटी में 12 बजे के बाद भी खुलती हैं तो उनकी मॉर्निंग उसी हिसाब से होती है। गांव के रहने वाले लोगों का ज़्यादातर पेशा एग्रीकल्चर से है तो उनकी मॉर्निंग जैसे सनराइज़ होता है उससे पहले वो अपना मोस्टली नाश्ता वगैरह भी कर चुके होते हैं और जैसे सनराइज़ हो जाता है तो वो लोग अगर कोई भेड़ बकरियाँ चरा रहा है गाय चरा रहा है तो वो अपनी गाय लेके निकल जाता है। अगर वो उसका ताल्लुक डायरेक्टली एग्रीकल्चर से है तो वो अपना ट्रैक्टर लेके या बैल और हल लेके वो अपनी फसलों की तरफ चला जाता है। निकेड़ा कहाँ को कहाँ को दावा हो तू दावा चलो और मारो चलो ना ना रखा है देखे ये जाए माता को आके तो देना और जो वोमेन है वो ज़्यादातर हाउसवाइफ ही होती हैं लेकिन वो केयर टेक कर रही होती हैं अपने बच्चों की भी घर की भी और जो लोग उनके वहाँ पे गए हैं ज़मीनों पे काम करने के लिए उनके लिए लंच पहुँचाना या लंच बना के रखना ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो उनको वो अपने बच्चों को संभालती हैं घर की देखभाल करती हैं और अपने जो मर्द हैं उनके लिए उन्होंने लंच या डिनर वगैरह भी तैयार करना है। इसके अलावा भेड़ बकरियां या गाय जो जिनके छोटे बच्चे हैं जो साथ साथ नहीं चल सकते वो उनकी भी केयर टेक कर रही होती हैं। जैसे ये घर है इसकी सराउंडिंग में देखें आप कुछ फसलें भी इन्होंने लगाई हैं सब्जियां भी लगाई हैं तो इनकी देखभाल या इनको पानी देना है ये मोस्टली मैंने देखा कि ये औरतें ये काम कर रही होती हैं। कच्ची वे पक्की वे जरा कुछ भी क्या पता नहीं तो गाइस इधर क्योंकि बिजली नहीं है
तो इस तरह से ये घड़े भर के रख देते हैं। ये देखें, ये दरख्त के पास पड़े और ये पानी ठंडा रहता है, आसपास पानी फेंकते रहते हैं, वो वेपोरेशन होती है। ये बॉक्स है, इसमें पानी भर के ये लाना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नलका तो लगा लेकिन उसका पानी गड़वा है, तो इसलिए इनको दूर से पानी लाना पड़ता है। तो गाइस ये गुड़िया अभी चाय बनाएगी, ये बकरी का दूध है अभी इन्होंने निकाला, तो इनके पास गाय भी है लेकिन हमने खुद फरमाइश की कि हमें अपना बकरी के दूध की पिलानी चाहिए। सो गाइस ये हमारा आ गया ब्रेकफास्ट, और ये सराउंडिंग आप चेक करें, तकरीबन हर बर्ड की जो ना अलग अलग से आवाज़ आ रही है। ये दही है जी, ये पराठे हैं जी, इसमें पुदीना है जी, हरी मिर्च है, ये समझे नमकीन रोटी है, नमकीन पराठा है, और साथ में ये लस्सी है। चलें जी इसको टेस्ट करते हैं। अली भाई आ जाओ, ज़बरदस्त है ये तो। वैसे ही बगैर दही के भी अगर आप खाएं ना तो वैसे ही मज़े की है, मीठे दही के साथ तो और भी मज़ा कर रही है, और साथ में ये लस्सी। पहले दो दो गिलास हम पी चुके हैं, ये तीसरा चल रहा है। ये आ गई है चाय।